हेलो फ्रेंड, मैं वाईपी सिंह फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। और आज मैं अपने इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा क्लैंपिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन मोल्ड मशीन। इससे पहले हमने डिफरेंट टाइप या बेस हमने इंजेक्शन मोल्ड मशीन को डिस्कस किया है, तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लैंपिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन मोल्ड मशीन। ठीक है, क्लैंपिंग बेस्ड इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन को पहले समझ लेते हैं। क्लैंपिंग बेस्ड का मतलब यह है कि जो भी हमारी इंजेक्शन मोल्ड मशीन है उसको क्लैंपिंग कैसे की जाती है, यानी कि मोल्ड को बंद करना और ओपन करना। ठीक है, ये हमारा मूवेबल प्लेटें जो होती है उस साइड में या मूवेबल जो पोर्शन होता है वहाँ पर एडजस्ट होता है। क्लैंपिंग यूनिट का मेन फंक्शन जो है वो इंजेक्शन मोल्ड को क्लैंप करना है, जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया। और जो मोल्ड होता है हमारा उसे हम ओपन नहीं रखते हैं, उसको बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी उसमें मेल्ट मटेरियल या प्लास्टिसाइज मटेरियल जो है वो हमारा इंजेक्ट होता है। तो मोल्ड अगर ओपन रहेगा तो उससे क्या होगा कि जो हम डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहते हैं उस टाइप का प्रोडक्ट हमें फॉर्म नहीं होगा, इसलिए मोल्ड को क्लोज करना आवश्यक होता है। और इसीलिए जो है इसकी क्लैंपिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, मोल्ड को क्लोज करते हैं। अब हम बात करते हैं इंजेक्शन मोल्ड मशीन की क्लैंपिंग बेस्ड क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लैंपिंग बेस्ड इंजेक्शन मोल्ड मशीन पांच पार्ट में या हम कह सकते हैं पांच टाइप की होती हैं। फर्स्ट है हमारी मैनुअल क्लैंपिंग बेस्ड इंजेक्शन मोल्ड मशीन। सेकेंड है हमारी टूगल टाइप बार टाइप इंजेक्शन मोल्ड मशीन। थर्ड है हाइड्रोलिक बेस्ड इंजेक्शन मोल्ड मशीन। फोर्थ है हाइड्रो मैकेनिकल क्लैंपिंग बेस्ड इंजेक्शन मोल्ड मशीन। लास्ट है हमारी टाई बार लेस क्लैंपिंग बेस्ड इंजेक्शन मोल्ड मशीन। तो क्लैंपिंग बेस्ड हमारी ये पांच इंजेक्शन मोल्डिंग होती हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैनुअल क्लैंपिंग बेस्ड इंजेक्शन मोल्ड मशीन को। मैनुअल क्लैंपिंग बेस्ड इंजेक्शन मोल्ड मशीन जो है वो हमारी मैनुअल इंजेक्शन मोल्ड मशीन में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया है, हैंड ऑपरेटेड इंजेक्शन मोल्ड मशीन को, तो इसमें भी जो है हम क्लैंपिंग कर रहे थे, वो क्लैंपिंग हमारी कैसी थी, मैनुअल क्लैंपिंग, या हम कह सकते हैं न्यूमेटिक
इंजेक्शन मोल्ड मशीन में भी हम मैनुअल क्लैंपिंग बेस्ड होती है हमारी। ये जो हमारी क्लैंपिंग होती है मैनुअल क्लैंपिंग, वो डिपेंड करती है जो हमारा ऑपरेटर होता है, यानी कि जो ऑपरेटर ऑपरेट करता है इंजेक्शन मोल्ड मशीन को, तो ये उस पर डिपेंड करता है कि वो मैनुअल क्लैंपिंग को किस तरह से कर रहा है। अगर हमारा ऑपरेटर स्किल्ड नहीं है तो वो उसकी प्रॉपर क्लैंपिंग नहीं कर पाएगा, और जिसकी वजह से जो हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है उसकी शेप या साइज में डिफेक्ट आ सकते हैं। इसके बाद जो क्लैंपिंग फोर्स इसमें हमारा लगता है वो डायरेक्ट होता है, क्योंकि उसको हम मैनुअली ऑपरेट कर रहे होते हैं। और इसके बाद जो इसमें जो क्लैंपिंग फोर्स है उसको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मशीन से हम इसको फोर्स या क्लैंपिंग फोर्स अप्लाई कर रहे होते तो हम उसको इजीली कैलकुलेट कर लेते, लेकिन यहाँ पर मैन्युअली इसको क्लैंप करते हैं, इस वजह से हम इसका जो क्लैंपिंग फोर्स है उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसमें जो स्क्रू की पोजीशन होती है वो नोजल एक्सिस से या एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्रिटिकल होती है, और मोल्ड से पार्ट का इजेक्शन भी बहुत डिफिकल्ट होता है इसमें। क्योंकि मैनुअल मशीन में इजेक्शन भी हम कैसा करते हैं, मैनुअल, ठीक है। तो पहली चीज इसमें क्या होगी, मैनुअल में जो हमारी मैनुअल इंजेक्शन मोल्ड मशीन होगी उसमें हमारा मैनुअल क्लैंपिंग होगी, मैनुअल क्लैंपिंग में हमारा जो फोर्स है उसको क्लैंपिंग फोर्स को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, और जो इसमें इजेक्शन हमारा होता है प्रोडक्ट को इजेक्ट करने के लिए उसको भी हम क्या करते हैं, मैनुअली करते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा जो रोल होता है वो स्किल्ड ऑपरेटर का होता है, और इस प्रोसेस को बहुत ध्यान से करना पड़ता है, अदरवाइज हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टेड हो सकता है।